तो आज फिर से एक स्ट्रगलर की मौत हो गई। अभी तक के सूत्रों के हिसाब से रीजन सुसाइड। जिंदगी जिस तरीके से हमारी आगे बढ़ते जा रही है, वैसे ही सुसाइड का रेट भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। लोग एम्बिशियस होते जा रहे हैं और इस एम्बिशन के कारण से डिप्रेशन भी काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है और डिप्रेशन अल्टीमेटली सुसाइड के रूप में सामने आ रहा है। एक डेटा के हिसाब से अगर देखें तो पूरे वर्ल्ड में लगभग 8 लाख सुसाइड हर साल होते हैं। इस 8 लाख में से इंडिया में लगभग 1.35 लाख सुसाइड्स होते हैं, जो कि 17.5% है। 204 कंट्रीज में इंडिया अपने आप में लगभग 17.5% सुसाइड होल्ड कर रहा है, जो बता रहा है कि अपने आप में काफी ज्यादा है। 1987 के बाद से लगातार इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है और रेट बढ़ करके 7.9% से 10.3 हो गया है 2008 तक, और वो 2008 के बाद से अगेन काफी तेजी से बढ़ी हुई है। अगर इस स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो 1.3 लाख सुसाइड में से 15 साल से 29 साल के लोगों में 46,000 सुसाइड देखने को मिले, और वही 30 से 44 साल 46,000 फिर से। 15 से 29 साल के लोग सीधी सी बात है स्टूडेंट ही होंगे, या तो वो अपने बोर्ड एग्जाम या फिर 12th या फिर अपने किसी प्रिपरेशन की तैयारी करने के दौरान में लगे हुए होंगे, और जबकि वही 30 से 44 साल ये अपने सर्विस के दौरान में या तो फैमिली प्रेशर के कारण से या फिर सर्विस प्रेशर के कारण से सुसाइड किए होंगे। इस डेटा को देखें तो नियरली 34% सुसाइड स्टूडेंट के द्वारा हर साल किया जाता है। इसका रीजन क्या है? क्या ये इलिटरेसी है या फिर सिचुएशन हैंडल ना करने की टेंडेंसी? इसके डेटा में हम लोग जब गए तो हमें एक एनसीआरबी का डेटा मिला, और इस एनसीआरबी के डेटा ने बताया कि अभी तक जो भी सुसाइड्स हुए हैं उसमें से 80% सुसाइड तो लिटरेट के द्वारा किए गए हैं, और लिटरेट तो छोड़िए हाईली एजुकेटेड लोगों के द्वारा किए गए हैं। जब हमने स्टेट वाइज देखा तो सबसे ज्यादा स्टेट तमिलनाडु हमें मिला, जहां पर सुसाइड लगभग 11% हुए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल भी तमिलनाडु को ही फॉलो किए हैं। ये तीनों ही स्टेट काफी ज्यादा अच्छे माने जाते हैं लिटरेसी के रेट में, या फिर कह लीजिए कि एजुकेशन के रेट में, लेकिन अगेन यहां पर इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही हैं। 2015 के एनसीआरबी डेटा के हिसाब से लगभग 8,934 सुसाइड हर साल स्टूडेंट के द्वारा अटेम्प्ट किए जाते हैं। वही डेटा 2018 में बताता है कि इस साल 10,000 से ज्यादा सुसाइड हुए, जो कि पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा जो सुसाइड अटेम्प्ट हुए वो महाराष्ट्र में हुए। ये सुसाइड फार्मर सुसाइड की नहीं बात कर रहे हैं हम लोग स्टूडेंट सुसाइड के बारे में बात कर रहे हैं, और महाराष्ट्र काफी एजुकेटेड माना जाता है अगर हम सुसाइड या फिर एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो। यानी कि हर एक घंटे में एक स्टूडेंट सुसाइड कर ले रहा है। ये इंडिया के लिए काफी ज्यादा शर्मनाक बात है, क्योंकि इंडिया जो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए अपने आप को बोल रहे हैं, और वहीं हमारा एक स्टूडेंट सुसाइड कर ले रहा है। इसके जब हम लोग रीजंस में गए तो रीजन हमें कई सारे देखने को मिले, जिसमें लव अफेयर, एग्जाम फेलियर, अनएम्प्लॉयमेंट, कैरियर प्रॉब्लम, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम सामने निकल के आई वो थी पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर का मतलब होता है कि आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लगातार आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या हुआ, पास हुए या फेल हुए। इस तरीके के सवाल लगातार आपको झेलने पड़ेंगे, और ये झेलना ही होगा क्योंकि ये सोशल प्रेशर या फिर पीयर प्रेशर है। ये सारा कुछ अल्टीमेटली लीड टू डिप्रेशन चला जाता है, और स्टूडेंट या फिर जो भी सुसाइड कर रहा है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अगर हम देखें कि डिप्रेशन किस तरीके से आती है, तो डिप्रेशन बेसिकली एम्बिशंस के कारण से आती है। आप एम्बिशियस हैं, आप किसी चीज को पाने की इच्छा रखते हैं, और इसके कारण से आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं अगर आपको वो नहीं मिलता है तो। या फिर हम कह सकते हैं कि फेलियर डिप्रेशन को जन्म दे रही है, लेकिन ये फेलियर बेसिकली दो तरीके से होती है। एक फेलियर होती है जहां पर आप अपने कर्मों में, एक्शंस में फेल होते हैं। इस एक्शन के खिलाफ आप वापस खड़े हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी से ही हार गए हैं या फिर अपने
मन में ही हार गए हैं तो फिर इसका कोई जवाब नहीं होता, इसका एक ही इलाज होता है और वो हम लोग रिसर्च ही देख रहे हैं। सुसाइड कर लेना क्या एकमात्र रास्ता है? शायद नहीं। तो शायद नहीं के लिए हमें आखिर में क्या सोल्यूशन अपनाने चाहिए अगर हम इस तरीके की प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं? तो हम लोगों ने कई सारे साइकेट्रिस्ट और लोगों से बात किया, यहां पर एक सोल्यूशन निकल के आया कि सबसे अच्छा दोस्त आईना होता है। मिरर के सामने लगातार अपने आप को आप पोर्ट्रेट करिए और लगातार अपने आप से बातें करिए। जो दूसरा सबसे अच्छा दोस्त होता है वो होते हैं पेरेंट्स। जनरली छोटे जब भी लोग होते हैं या 15 साल से कम के लोग होते हैं उसमें सुसाइड देखने को नहीं मिलती है, लेकिन 15 साल के ऊपर ही क्यों सुसाइड देखने को मिलती है? शायद इसलिए क्योंकि यहाँ पर बच्चे अपने आप को अब बड़े मानना शुरू कर देते हैं और पेरेंट्स को शायद अब अपना नहीं मानना शुरू करते हैं। छोटे पे सारी चीजें शेयर की जाती हैं, लेकिन जैसे जैसे आदमी या फिर जो भी बड़ा होते जाता है वैसे वैसे ही लोग पेरेंट्स से दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। इस दूरी बनाने के कारण आप जो भी चीजें होती हैं, जो भी प्रॉब्लम होती है अपने मन में रखते हैं और मन में रखने के कारण फिर अल्टीमेटली डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो इसके लिए अच्छी चीज यही होगी कि इंट्रोवर्ट होने के बजाय एक्स्ट्रोवर्ट बनिए और अपनी प्रॉब्लम को शेयर करिए, चाहे वो खुद से शेयर करिए, पेरेंट्स से शेयर करिए, या फिर अगर आप किसी को अपना बहुत अच्छा फ्रेंड मानते हैं और अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए है तो फिर आप उससे शेयर कर सकते हैं जरूर। एट द एंड ऑफ द डे सिविल सर्विसेज या जिस भी एग्जामिनेशन के बारे में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जस्ट एक जॉब है, वो आपकी जिंदगी नहीं है। लाइफ की काफी ज्यादा वैल्यू होती है, एक जिंदगी मिली है, इसको संभाल के रखिए, इसको इस तरीके से वेस्ट नहीं करना है और सुसाइड से तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये थी आज की मैसेज। ये मैसेज काफी सेंसिटिव था और आजकल की कंडीशन को देखते हुए बनाया गया था। हम लोगों ने काफी सारे स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया और उन्हें डिप्रेशन की प्रॉब्लम फेस हुई, इसलिए ये वीडियो बनाया गया था। इस वीडियो का अल्टीमेट गोल केवल और केवल लोगों को अवेयर करना है कि आप अपने लाइफ की वैल्यू को पहचानिए, जिंदगी यहीं तक सीमित नहीं है, जिंदगी में अभी काफी आगे बहुत कुछ है। यूपीएससी भी आपको दूसरा मौका देती है लेटरल एंट्री के रूप में, इसको आप अंत मत समझिए।